खबर राजधानी जयपुर से आपको बता दें कि एसीबी ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी कार्रवाई की। इसमें रेलवे के चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर विकास कुमार मीणा को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। आरोपी विकास वर्तमान में सीकर रेलवे स्टेशन पर तैनात है और पूर्व में बांदीकुई में पद स्थापित रहा है। तब उसने परिवादी के कार्यों के बिलों के भुगतान को रोका था और परिवादी के पास बांदीकुई रेलवे स्टेशन की सफाई और पानी सप्लाई का टेंडर है और इसके करीब 6 लाख रुपए के बिलों का भुगतान बाकी था। परिवादी ने जब विकास से संपर्क किया और बिलों को क्लियर करने के भुगतान कराने के लिए कहा तो आरोपी इसकी एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग करने लगा। कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता विनय पंत ने एडिशनल एसीपी बजरंग सिंह शेखावत से खास बातचीत की। एसीपी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रेलवे के चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया है। जो चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर विकास है वो अभी सीकर में पदस्थापित है, इससे पहले वो बांदीकुई में पदस्थापित था और बांदीकुई में ही जो परिवादी है उसका सफाई का टेंडर है और उस सफाई से संबंधित जितने भी काम किए गए थे उसके बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। अभी हमारे साथ एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई और क्या पूरा मामला जानना चाहेंगे? एसीबी मुख्यालय को कुछ दिनों पहले सूचना मिली थी कि परिवादी ने बांदीकुई के अंदर उसका सफाई और पानी भरने से संबंधित ठेका था और उसके काफ़ी लंबे समय से इनके बिल पेंडिंग थे और उन बिलों को पास करने के लिए वहाँ पे जो पदस्थापित उस तत्कालीन समय में जो पदस्थापित रहे थे विकास कुमार मीणा सीएचआई के पद पे कार्यरत थे, वो उनसे पिछले कई दिनों से रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। उसके अलावा उनके अन्य साथी थे वो भी इससे रिश्वत मांग रहे थे। हमारी टीम द्वारा इसका वेरिफिकेशन करवाया गया। वेरिफिकेशन के बाद में जो इनके बिल से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई और आज हमारी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वहाँ पे 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए श्री विकास कुमार सीएचआई है उनको गिरफ्तार किया है। ये वर्तमान में सीकर रेलवे जो स्टेशन है वहाँ पे पदस्थापित हैं और उससे पहले ये बांदीकुई पे पदस्थापित रहे थे, तो आज इनको आज काफ़ी देर प्रयास करने के बाद में इधर उधर घुमाते रहे, ये इसका इस तरह की कार्रवाई से वाकिफ होने के कारण इन्होंने काफ़ी सावधानी बरती, फिर भी हमारी टीम द्वारा इनको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। सर, इसमें और भी लोगों की भूमिका सर हो सकती है? हाँ, और भी इनके साथ एक दो संदिग्ध लोग हैं जिनके बारे में भी हमारे द्वारा आगे जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इनके घर पे सर्च चल रही है और इससे संबंधित जो दस्तावेज है उनकी भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाए। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो आरोपी है वो काफी शातिर है और वो इस तरह की कार्रवाई से वाकिफ था, जिसके चलते वो जो परिवादी को लेकर कई जगह घूमता रहा लेकिन एसीबी की टीम लगातार उसके पीछे रही और उसके बाद जैसे ही उसने रिश्वत के 40,000 रुपए लिए उसे एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है, इसके साथ ही उसके आवास और कार्यालय और जो अन्य ठिकाने हैं वहां पर भी सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ विनय पंत, सच बेधड़क, जयपुर।